शामली के बाबरी थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में शामली पुलिस ने लूट कर भाग रहे बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। बदमाश और पुलिस के बीच चली मुठभेड़ में गोली लगने के कारण दोनों बदमाश घायल हो गए। भाग रहे दोनों बदमाशों को पुलिस ने पैरों में गोली मारी, जिससे बदमाश घायल हो गए। मौके पर मौजूद एसपी शामली के निर्देशन में पुलिस ने दोनों बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। पकड़े गए बदमाशों के नाम महक सिंह व गौरव वालियान बताया जा रहा है, जो तितावी जिला मुजफ्फरनगर व गंगोह जिला सहारनपुर के रहने वाले हैं। दोनों बदमाश बाबरी थाना क्षेत्र के गाँव भज्जू की नहर पटरी पर लूट करने पहुंचे थे। ये दो बदमाश थे, जो कि थाना क्षेत्र बाबरी में एक व्यक्ति को घायल करके उससे कुछ सामान छीन करके भाग रहे थे। उसके बाद में पुलिस द्वारा इनका पीछा गया, जिसमें कि पुलिस मुठभेड़ में जॉबी फायरिंग में पुलिस की दो बदमाश घायल हुए हैं, जिसमें से एक बदमाश पहले की राउंड भट्टा गैंग से संबंधित रहा है, जिसमें कि पहले जेल काट करके आया। और अभी फिलहाल में इन्होंने 15 दिन पहले जो अभी तक पूछताछ में निकल करके आया कि जिंजाना क्षेत्र से भी एक बाइक इन्होंने लूटी है सिकौती के पास से, और आज भी लूट करके भाग रहे थे, जिसमें कि ये दोनों बदमाश घायल। अच्छा, नहीं अभी तो सर्च करवाया जा रहा है कि क्या इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, कहाँ से वांछित वगैरह, पूरी डिटेल्स अभी।